चुड़ैल का हॉस्पिटल। ऐसा कहा जाता है कि अस्पताल में लोगों को नई जिंदगियां मिलती हैं, लोगों को दुनिया देखने के नए अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहां की रीत ऐसी नहीं होती। कुछ अस्पताल काली ताकतों के साए में इस तरह फंस जाते हैं कि वो जगह जहां जख्मी लोगों की जान बचाई जाती है, वो किसी के मौत का कारण बन गया। आइकॉन हॉस्पिटल, जहां अब चुड़ैले बसती हैं। अरे भाई हाँ, बीच रास्ते में हूँ। क्या कहा, दवाई लेते हूँ? अरे अब यहाँ मेडिकल कहाँ ढूंढूं मैं? अच्छा रुको, एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है, मैं लेकर आता हूँ। वो आदमी आइकॉन हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। यूं तो बंद पड़ा हुआ था हॉस्पिटल, लेकिन उसके जाते ही अचानक लाइट लग गई। ऐसा लगा कि हॉस्पिटल शुरू से ही है। वो अंदर गया, वैसा वहाँ कोई नहीं था। बस एक मेडिकल स्टोर जो काफी अंदर था, वहाँ कोई कुर्सी पर पीठ दिखाकर बैठा हुआ नजर आ रहा था। कमाल है, न कोई पेशेंट न कोई डॉक्टर, बस लाइट लगी हुई है। अजीब सा हॉस्पिटल है। वो मेडिकल के पास गया और उसने उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को आवाज लगाई। सुनिए, मुझे जरा खांसी की दवाई मिल सकती है क्या? जैसे ही आदमी ने बोलना शुरू किया, लाइट चली गई और अंधेरे में आवाज आई, आप जरा टॉर्च लगाएंगे? जी जी, अभी लगाता हूँ। जैसे ही उस आदमी ने टॉर्च लगाया, डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने थी बहुत ही डरावनी चुड़ैल, जिसके बिखरे हुए लंबे बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे और खून से सने हुए थे उसके दांत। वो आदमी डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा, लेकिन कहीं भी मुड़ता तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी दिखाई देती। आखिर में उसे पकड़कर चुड़ैल ने अपनी दांत उसकी गर्दन पे गड़ाए और उसे खत्म कर दिया। और एक मौत, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसका एक ही अंजाम होगा, मौत, बस मौत। ऐसी बहुत सी मौतें हो गई थी जिसके कारण उस अस्पताल के रास्ते से कोई भी जाता नहीं था। बहुत से मंत्रिकों ने उस चुड़ैल को भगाने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया था। आए दिन पेपर में उस अस्पताल के बाहर लाश बरामद होने की खबरें छपती थी। ये खबर शहर की सबसे बड़े मंत्रिका के बेटे मोहित ने और उसके दोस्त केशव ने भी पढ़ी थी। इस हॉस्पिटल से जुड़ी मौत की खबरें कुछ ज्यादा आने लगी हैं। हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। बाहर बहुत चर्चा है कि वहाँ कई चुड़ैलें रहती हैं, जिनका आतंक बहुत बढ़ गया है। हमें इसका पता लगाना होगा। इसके लिए हमें उस हॉस्पिटल के पास जाना होगा। चलो चलते हैं। नहीं नहीं मोहित, अभी शाम होने वाली है और रात में वहाँ जाना मतलब कि मौत से मुलाकात। तुम बस चलो मेरे साथ, हम जल्द ही लौट आएंगे। मोहित और केशव दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल के रोड पर आते हैं तो काली बिल्लियां, बड़े बड़े चमगादड़ यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। मोहित, अभी भले ही शाम होने में कुछ वक्त है, लेकिन फिर भी ये रास्ता कितना भयंकर लग रहा है ना? हाँ दोस्त, वो तो है, लेकिन हमें यही कहीं हॉस्पिटल के राज का पता लगेगा। तभी मोहित के सामने एक औरत दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में है वो। वो देखो केशव, कोई नजर आ रहा है, वो शायद हमें कुछ बता सके, चलो वहाँ चले। शायद वो कोई नर्स मालूम होती है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही होगी? मोहित और केशव वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो नर्स वहाँ बैठी इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? जी मैं मोहित और ये केशव है। दरअसल हम इस हॉस्पिटल को देखने आए थे, कहते हैं यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। गलत सुना है तुमने, यहाँ एक नहीं कई चुड़ैले हैं। केशव और मोहित चौंक जाते हैं। तभी केशव जरा दबी आवाज में पूछता है, क्या आपको पता है यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि अब काली ताकतों का साया बसता है यहाँ? नर्स ने केशव को एक पल घूर कर देखा और अपना कहना जारी रखा। इस हॉस्पिटल में बहुत से फर्जी डॉक्टर थे, उन्होंने भोली भाली पेशेंट्स को फंसाया और ऑपरेशन के नाम पर किडनियां निकाल ली।
नर्स जब बता रही थी तब उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था और उन लोगों को तहखाने में कैद कर मरने के लिए छोड़ दिया और एक दिन उस डॉक्टर ने खुद ही हॉस्पिटल को आग लगा दी और तभी से ये हॉस्पिटल ऐसा पड़ा हुआ है, खंडहर। अब तक अंधेरा हो रहा था और अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। नर्स का कहना होने के बाद मोहित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। केशव ने तब उस नर्स से पूछा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं भी उन चुड़ैलों में से एक हूँ। और उस नर्स का रूप चुड़ैल में बदल जाता है और वो हमला करने ही वाली होती है कि मोहित गाड़ी भगाता है और उस चुड़ैल के सीमा के बाहर ले जाता है, इसलिए चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती। बाल बाल बच गया आज तो। वो जब कहानी सुना रही थी तभी मैंने पहचान लिया था, कुछ तो गड़बड़ है। थैंक गॉड। अच्छा, अब ये हॉस्पिटल का रास्ता हमें पता चल गया है। हमने अगर उस तहखाने में दबी लाशों को मुक्त करा लिया तो ये मौत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। मोहित और केशव दोनों मोहित के बाबा के कमरे में जाकर उनका संदूक निकालते हैं जिसमें एक किताब होती है। शायद इस किताब में उस हॉस्पिटल को मुक्त कराने का कोई इलाज हो। केशव पढ़ने लगता है। हाँ, यही उपाय सही रहेगा। कौन सा भाई? यहाँ लिखा है, अगर किसी वस्तु को चुड़ैल से मुक्त कराना है तो जहाँ उसकी आत्मा को बांधने के लिए लाल धागा और गंगा जल काफी है, बस मुक्ति मंत्र का जाप होना जरूरी है। उसी रात केशव और मोहित हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, फिर उसी खौफनाक माहौल में आ जाते हैं। पूरा हॉस्पिटल शांत होता है। जैसे ही केशव और मोहित आगे तहखाने की तरफ जाते हैं, सभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती हैं। डरना नहीं केशव, हमने ओम का लॉकेट पहना हुआ है, इसलिए हमें ये चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। अरे, पर किसी चीज से हमला तो कर ही सकती है ना, हमें भागकर तहखाने तक पहुंचना होगा, चलो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो केशव के मुताबिक चुड़ैलें हमला करती हैं, बहुत सी चीजें उनके ऊपर फेंकती हैं, लेकिन भागते भागते मोहित का लॉकेट निकल जाता है और सभी चुड़ैलें उसके पास उसे खत्म करने पहुंच जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैलें मोहित को मारे, केशव तहखाने के दरवाजे पर लाल धागा बांध देता है और चारों ओर गंगा जल छिड़कता है। मोहित, जमीन पर लेट जाओ। केशव मोहित को आगाह करता है क्योंकि गंगा जल के छिड़कने के बाद एक बहुत बड़ी चीख सुनाई देती है जिससे हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर कर फैल जाते हैं और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। केशव, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया। हाँ, अब ये हॉस्पिटल जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। मोहित और केशव मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलते हैं और पीछे चुड़ैल के रूप से मुक्त होने वाली औरतें दिखाई देती हैं। चलो भाई, ये काम तो बढ़िया हो गया, लोगों का भी भला होगा और इन चुड़ैलों का भी भला हो गया। इन चुड़ैलों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल गई। अब दोबारा इस हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला कभी जारी नहीं होगा।